अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को, नानों के दस्तखान से प्यार भरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी, मगर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रही हूँ। मैंने इसमें पहले ऑयल डाला, फिर मैंने इसमें लहसुन डाल के मैं चिकन को भून रही हूँ, मगर चिकन बोनलेस मैंने लिया है। बोनलेस चिकन से ये होगा कि फ़ौरन गल जाएंगी सब चीज़ें। और इसके साथ साथ मैंने ये देखिए, मैंने ये शिमला मिर्चें ली हैं, तीन तरह की हैं, लाल शिमला मिर्च है, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च। मैंने तीनों को बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। और इधर गाजरें मैंने काटी हैं। तो पहले मैंने तेल में लहसुन अदरक डाल के चिकन को भून रही थी, और अब मैं ये सब इसमें डाल के भूनूंगी। और ये देखिए, ये सब डाल दिया, ये देखें, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और चिकन की शक्ल बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं इसको हल्के हल्के भून रही थी, ठीक है। मैंने आज कहा कि चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए मैंने ये किया कि मैंने छोटे छोटे चिकन के पीस लिए, ताकि मैं इसको अच्छे से ये गल सके। और मैं इसको इसके साथ फ्राई कर रही हूँ अदरक लहसुन के साथ, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये मैंने कैबेज यानी बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया, वो भी मैं इसके साथ डाल दूँगी, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखो, अब मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसके साथ मैं इसमें चिकन स्टॉक ये मैं डाल देंगे साथ, ताकि थोड़ा सा अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाए। आपके पास चिकन क्यूब है तो आप क्यूब डाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैं भून रही हूँ, बहुत अच्छे से भूनती रहूँगी इसको, ताकि इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाए। इसके साथ इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये देखें, कुटी हुई दो मिर्चें स्पून मैंने डाल दिया। और मैंने इसमें काली मिर्चें, ये देखें, मैंने काली मिर्चें एक चम्मच डाल दी, थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। और मैं इसको इसके साथ भूनती रहूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी, ये देखें, सोया सॉस, बस क्योंकि मुझे इसको बिरयानी की शक्ल देनी है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से भून रही हूँ, ये देखिए, ताकि इसका सही शक्ल आ जाए बिरयानी की शक्ल में। थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को चिकन या चाइनीज़ चिकन बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। चाइनीज़ पुलाव तो बनाते ही हैं, चाइनीज़ बिरयानी बनाती हूँ आज आपके साथ। तो ये देखें, और थोड़ा सा मैं नमक इसलिए डालूँगी कि मैंने जो चावल बॉयल किए हैं उसमें मैंने नमक और चिकन पाउडर एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ताकि स्टॉक में भी नमक होता है, तो इसमें नमक ज़्यादा तेज ना हो। ये देखिए, अब मैं इसको भून रही हूँ इसके साथ। इसको बहुत अच्छे से मैं बनाऊँगी। और ये देखें कि मैंने राइस बॉईल करके रखे हुए हैं, ये मैंने राइस बॉईल किया है। मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल, एक चम्मच नमक और एक चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाल के मैंने बॉईल किया है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने चिकन स्टॉक और चिकन पाउडर डाल के चावल मैंने बॉईल किए हैं। तो मैंने कहा कि आप चाइनीज़ बिरयानी बनाती हूँ, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। चाइनीज़ पुलाव तो सभी खा रहे हैं, चाइनीज़ राइस भी सब खा रहे हैं, बिरयानी भी बहुत हर घर में बन रही है, लेकिन जब मैं इसको दम में रखूँगी तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखें, अब मैंने ये भून लिया इसके साथ, अब मैं इसमें राइस डालूँगी। ये देखें, ये देखिए, मैंने इसमें राइस डाल दिया, और जो बिल्कुल फाइनल टच होगा वो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें राइस डाल दिया, ये देखिए, और अब मैं स्लो, हाँ बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं कलर डालूंगी, ये देखें, बिरयानी का थोड़ा सा लुक आ जाएगा, लेकिन है ये चाइनीज़ बिरयानी। चाइनीज़ पुलाव तो आपने खाए ही है, ये चाइनीज़ बिरयानी है। जब ये दम पे आ जाएगा सही से, तो फिर
मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या शक्ल हुई मेरे शॉर्ट वीडियो में। तो मैंने चिकन चाइनीज़ पुलाव बनाया है, चाइनीज़ बिरयानी मैंने बनाई है, जिसके लिए मैंने क्या किया, पहले ऑयल लिया, फिर उसमें अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाला, फिर मैंने उसमें चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें सारी चाय जो मैंने वेजिटेबल बना कर रखे थे, गाजरें काटी थी, शिमला मिर्चें थी 3 कलर की, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, और गाजरें थी और कैबेज थे, उन सबको मैंने साथ फ्राई कर लिया, और उसके साथ मैंने चिकन स्टॉक डाल दिया, क्यूब डाल दीजिए या स्टॉक डाल दीजिए, ठीक है, वो मेरे पास पाउडर की शक्ल में था, वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, 2 चम्मच 1 चम्मच काली मिर्चें डाली, 1 चम्मच सोया सॉस डाला, और सब डाल के मैंने दम पे रख दिया है। ये मेरा चिकन बिरयानी, ये चाइनीज़ बिरयानी बन रही है, ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और मैं जो फाइनल टच दिखाऊंगी डिश आउट करके, मैं शॉर्ट वीडियो में अपने दिखाऊंगी शॉर्ट, आपको उम्मीद है ये पसंद आएगी, मेरे चाइनीज़ पुलाव, चाइनीज़ बिरयानी मैं बोल रही हूँ, पुलाव चिकन चाइनीज़ बिरयानी मैंने बनाई है, ये ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।